हेलो आई एम डॉक्टर आशीष मार्कन कंसल्टेंट विट्रोटना एंड यू स्पेशलिस्ट एट आई सेवन हॉस्पिटल्स सो आज हम बात करेंगे स्पेक्ट्रालिस मल्टीमॉडल इमेजिंग के बारे में व्हिच हैज़ बिन रिसेंटली इंस्टॉल्ड एट आई सेवन लाजपत नगर मल्टी इमेजिंग का क्या मतलब है मल्टीमॉडल मॉडल इमेजिंग मतलब मल्टीपल मोडस ऑफ इमेजिंग विच कैन बी यूज टू डायग्नोज वेरियस पुस्टीरियर सेगमेंट पेथोलॉजिज तो जब हम बात करते हैं पुस्टीरियर सेगमेंट ऑफ द आई में तो इसमें बेसिकली हमें थ्री लेयर्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है फर्स्ट इज द रेटिना जिसको आँख का पर्दा बोलते हैं इसके बाद आँख के पर्दे के पीछे एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं रेटिनल पिगमेंट एपीथीलियम जिसको इन शॉर्ट हम बोलते हैं आर जो ये रेटिनल पिगमेंट एपीथीलियम है दिस इज द मोस्ट मेटाबॉलिकली एक्टिव लेयर ऑफ द रेटिना एंड इस वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ द रेटिना आर के जस्ट पीछे लेयर होती है कॉरोड की कोरोयड इज द मोस्ट वेस्कुलर लेयर ऑफ द आई इट सप्लाइज मोस्ट ऑफ द ब्लड सप्लाई टू द आई एंड uh, जो रेटना की जो हेल्थ है विच इट इज़ प्राइमरि डिपेंडेंट ऑन द कॉरॉयड दिस इज बिकॉज हाफ ऑफ द रेटनल ब्लड सप्लाई जो है वो कॉरॉयड से आती है तो जब भी हम कोई भी पोस्टीरियर सेगमेंट पैथोलॉजी की बात करते हैं तो हमें इन तीनों की तीनों रेटनल uh, लेयर्स को अच्छे से एवेल्युएट करने की ज़रूरत है एंड इसके अंदर स्पेक्ट्रालस मल्टी मॉडल इमेजिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें वेरियस इमेजिंग मोडेलिटीज़ है जो इन थ्री लेयर्स को अच्छे से हमें स्टडी करने में हेल्प करती है तो इसमें कौन कौन सी इमेजिंग मोडलिटीज अवेलेबल है हमारे पास द फर्स्ट वन इज मल्टी कलर इमेजिंग मल्टी कलर इमेजिंग का क्या मतलब है इट इज़ समथिंग लाइक हम आँख की फोटो ले रहे हैं हम जो पुस्टीयर सेगमेंट ऑफ़ द आई है जैसे आप इस आई डायग्राम में देख सकते हैं इस आई मॉडल में देख सकते हैं जो है ये पुस्टीर सेगमेंट ऑफ द आई है इसकी एक फ़ोटोग्राफ लेता है ये स्पेक्ट्रलिस मल्टी मॉडल इमेजिंग तो इसके अंदर मल्टी कलर्स के थ्रू एक इमेज ली जाती है एंड वेरियस रेटिनल पैथोलॉजीज को डिफाइन किया जा सकता है इसका मतलब है कि जो रेटिनल पैथोलॉजी सुपरफिशियल रेटिना को इन्वॉल्व कर रही है मतलब रेटिना के सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स के अंदर प्रेजेंट है उसका कलर डिफरेंट होगा जो रेटिनल पैथोलॉजी डीपर स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व कर रही है आउटर रेटिना को या आर को या क्रॉयड के अंदर कुछ अगर मास लीजन है या क्रोयड के अंदर कुछ लीजन हैं उसका कलर डिफरेंट होगा तो जो सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स का जैसे ये इमेज है आपको भी दिखाते हैं हम दिस इज अ मल्टी कलर इमेज ऑफ द फंडस इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें वेरियस कलर्स आपको दिख रहे हैं तो जो पथोलॉजी है वो सुपरफिशियल रेटना को इन्वॉल्व कर रही है जैसे कि कुछ एपी रेटनल है, वो ग्रीन कलर में दिखेगा जो डीपर स्ट्रक्चर्स हैं दे विल टेक अ डार्कर कलर दे विल आइदर अपीयर रेड और ऑरेंजिश तो इससे हम एक्चुअली उस फोटो के थ्रू हम एनालाइज कर सकते हैं हम बता सकते हैं वेदर द स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्विंग द सुपरफिशियल रेटना और द डीप रेटना जो सेकेंड इमेजिंग टेस्ट है वो जो हम इस स्पेक्ट्रालिस मशीन पर परफॉर्म कर सकते हैं दैट इज ओ सी टी विच इज नोन एज ऑप्टिकल कोहरेंस टोमोग्राफी ओ सी टी का मेन फंक्शन है दैट इट इज अ स्ट्रक्चरल स्कैन विच कैन एक्चुअली एनालाइज वेरियस लेयर ऑफ द रेटिना तो रेटिना में टोटल टेन लेयर्स होती हैं सो जो ओ सी टी का स्कैन है वो इस तरह का दिखता है कुछ तो दिस इज अ स्ट्रक्चरल स्कैन ऑफ द रेटिना एंड इसमें हम वेरियस लेयर्स ऑफ रेटिना को एक्चुअली एनालाइज कर सकते हैं एंड जब हम ये स्कैन परफॉर्म करते हैं वी कैन एक्चुअली एनालाइज एंड सी कि रेटिना की कौन सी लेयर है जो इन्वॉल्व है किसी डिजीज़ में या किसी पैथोलॉजी के अंदर वेदर इट इज़ द इनर रेटिनल लेयर्स मिडल रेटिनल लेयर्स और द आउटर रेटिनल लेयर्स सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो हमें डिसाइड करने में हेल्प करता है कि कुछ रेटिनल पैथोलॉजी है इवन ओसीटी जो है वो कोरोइडल पैथोलॉजी अगर कुछ है कोरोइड के अंदर कुछ कोरियो कैपलरीज के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही है अगर कुछ ब्लड वेसल्स हैं जो एनलास्ड है जिसको हम पैकी कोरॉयड बोलते हैं अगर कॉरयड में कुछ मास लीजन है कुछ ट्यूमर है जिसको हम कॉरयडल मास या फिर इन्वॉलमेंट ऑफ कुछ मेटास्टेसिस है कॉरॉड के अंदर कुछ भी इस तरह की कोई पैथोलॉजी है वो हम ओ के ऊपर उसको एनालाइज कर सकते हैं उसके साइज़ को भी मेजर कर सकते हैं एंड देन ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के बाद उसको फर्दर हम मॉनिटर कर सकते हैं दिस वॉज द सेकेंड फंक्शन जो हम स्पेक्ट्रालिस्ट परफॉर्म कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस most important is the angiographic modalities which are available on spectralis now angiographic modalities ka angiography ka kya matlab hai angiography means to study the blood vessels to jaise hum dekh sakte hain is eye model ke andar hame jab hum eye ko clinically examine karte hain then we are able to see this retinal vasculature अब इसकी health कैसी है उसको examine करने के लिए हम angiography perform कर सकते हैं तो Spectralis में basically तीन तरह की angiographies perform की जा सकती हैं The first is known as fundus fluorescein angiography. जिसको शॉर्ट शौर, शॉर्ट में बोलते हैं एफ एफ ए सेकेंड इज आई सी जी एनजियोग्राफी जिसको हम बोलते हैं इंडो इन ग्रीन एनजियोग्राफी जो ये दोनों एनजियोग्राफीज हैं एफ एफ एंड आई सी जी एनजियोग्राफी ये इन्वेजिव टेस्ट हैं इसमें हमें वेन के अंदर डाई इंजेक्ट करनी पड़ती है एंड देन सब्सिक्वेंटली हम स्पेक्ट्रालिस पर बिठा के पे पेशेंट को इमेजेस लेते हैं एंड देन वेस्कुलेचर को कैप्चर करते हैं इसके बारे में वो भी थोड़ी देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे और जो थर्ड एनजियोग्राफिक मोडेलिटी है विच इज़ अ नॉन इन्वेजिंग मोडेलिटी उसको बोलते हैं ओ सी टी एनजियोग्राफी ओ सी टी एनजियोग्राफी का ये एडवांटेज है कि इट इज़ अ नॉन इन्वेजिव टेस्ट इसके अंदर बेसिकली हम पोस्टीरियर सेगमेंट पे अगर कुछ एबनॉर्मल वेसल्स हैं उनको स्टडी कर सकते हैं इसमें डाई वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती देर आर फ्यू पेशेंट्स हु आर एलर्जिक टू फ्लोरिसिन डाई और दे माइट बी एलर्जिक टू इंडोसाइनिन ग्रीन डाई उन केसेस के अंदर दिस इमेजिंग मोडेलिटी इज़ वेरी हेल्पफुल तो जो फंडस फ्लोरिसिन एनजियोग्राफी है उसका क्या रोल है दिस इज़ द पेशेंट जिसके अंदर हमने वाइड फील्ड फंडस फ्लोसिन एंजियोग्राफी करी थी तो इस मशीन में हम 102 जीरो डिग्रीज तक कैप्चर कर सकते हैं रेटिनल व्यू को जिसको कि हम मॉन्टाज बना के इवन फर्दर एनालाइज कर सकते हैं रेटिनल पेरीफरी को तो जो फंडस फ्लोरिसिन एंजियोग्राफी होती है दैट इज बेसिकली टू स्टडी द रेटिनल वेस्कुलेचर की जो रेटना की ब्लड सप्लाई है वो कैसी है रेटिनल ब्लड सप्लाई की हेल्थ कैसी है पेरीफिरल रेटिनल इस्टीमिया तो नहीं है रेटिनल लीकेज तो नहीं है वो सब कुछ जो है वी स्टडी दैट ऑन फंडस फ्लोरिसिन इसके बाद हम बात करेंगे आईसीजी एंजियोग्राफी सो आईसीजी एंजियोग्राफी इज़ बेसिकली टू स्टडी द कुरॉयल वेस्कुलेचर जो जो रेटिना के पीछे जो लेयर है जिसको हम कुरॉयड बोलते हैं अगर उसके वेस्कुलेचर को आपने स्टडी करना है अगर उसके अंदर कुछ डिजीज़ पथोलॉजी है कुछ कॉरोडल हिमेंजियोमा है पोलीपोयडल कॉयडल वैस्कुलोपैथी है सेंट्रल सीरस कोरियोरेटिनोपैथी है जिसके अंदर बेसिकली जो क्रॉयडल डिजीजेज हैं उन सबको स्टडी करने के लिए हमें इमेजिंग मोडेलिटी या एंजियोग्राफी जो परफॉर्म करनी पड़ती है उसको बोलते हैं हम आईसीजी एंजियोग्राफी तो so, वो इस तरह से कुछ दिखता है तो अगर आप इस इमेज में देखेंगे तो बेसिकली जो लेफ्ट साइड वाली इमेज है दैट इज़ बेसिकली अ फंडस क्लोरिसन एंजियोग्राफी जो रेटिनल वेस्कुलेचर को अच्छे से हाईलाइट कर रही है और अगर आप राइट right साइड में देखेंगे तो यूल बी एबल टू सी कि अंडरलाइन क्रॉयडल वेसल्स जो हैं वो बहुत क्लियरली दिखाई दे रहे हैं एंड दिस इज अ आई सी जी एनजियोग्राफी सो अगर क्रॉयडल वेस्कुलेचर को स्टडी करना है तो वी परफॉर्म आई सी जी एनजियोग्राफी तो इसके बाद हम बात करेंगे अब ओ सी टी एनजियोग्राफी के बारे में तो इट इज़ अ नॉन इन्वेजिव टेस्ट तो जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं कि दिस वॉज अ पेशेंट जिसको एक एक्टिव सी एन वी एम था सी एन वी एम इज कॉरोयडल न्योवेस्कुलर मैंब्रेन तो कॉरायडल न्योवेस्कुलर मैमब्रेन के लिए यूजली वी डू नॉट परफॉर्म इन्वेजिव टेस्ट वी कैन मॉनिटर द डिजीज एंड द प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज़ ऑन ओ सी टी एनजियोग्राफी तो इस पेशेंट का हमने ओ सी टी एनजियोग्राफी करा था एंड वी कैन क्लियरली सी दैट देर इज अ सी एन वी एम देर इज अ कॉरयडल न्योवेस्कुलर मैंब्रेन बट इस दिस इज अ स्ट्रक्चरल स्कैन तो ओसी टी एनजियोग्राफी विल हाईलाइट द मेमब्रेन वेरी क्लियरली तो अगर आप इस इमेज को देखेंगे तो दिस इज द मेम्ब्रेन तो अगर हम ध्यान से देख सकते हैं कि दीज आर ऑल एबनॉर्मल वेसल्स तो इसमें हमने कोई डाई इंजेक्ट नहीं करी है पेशेंट में सिर्फ ओ सी टी एनजियोग्राफी के थ्रू ही हमने इन एबनॉर्मल वेसल्स को पिक कर लिया है जो लीकेज कर रहे हैं पर्दे के अंदर और रेटिना के अंदर स्वेलिंग क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से पेशेंट की विजन कम हो रही है तो ओ सी टी एनजीओ पर हमने ये मेम्ब्रेन को पिक कर लिया है देन दिस पेशेंट को हम ट्रीट करेंगे इसको मल्टीपल इंजेक्शन प्रोवाइड करते हैं एंटी वेजफ़ के देन उन एंटी वेजफ्स का कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है वो ओसी टी एंड ओसी टी एोग्राफी पर ही हम मॉनिटर कर सकते हैं सो so, अब लास्टली हम डिस्कस करेंगे फंडस ऑटो फ्लोरेसेंस के बारे में तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि देर आर थ्री लेयर्स इन द पोस्टीरियर सेगमेंट सो द मोस्ट मेटाबोलिकली एक्टिव लेयर है दैट इज नोन एज रेटिनल पिगमेंट एपीथीलियम एंड जो रेटिनल हेल्थ है वो रेटिनल पिगमेंट एपीथीलियम पे डिपेंड करती है तो बेसिकली देर आर फ्यू डिजीजेज़ जो रेटिनल पिगमेंट एपिथीलियम को प्राइमरीली इफेक्ट करते हैं तो अगर हमने रेटिनल पिगमेंट एपीथीलीम की हेल्थ को देखना है आर पी हेल्थ को स्टडी करना है तो उसके लिए जो इमेजिंग मोडेलिटी हम यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज फंडस ऑटोफ्लोरेसेंस दैट इज अवेलेबल ऑन स्पेक्ट्रालिस तो एक फंडस ऑटोफ्लोरेसेंस की जो इमेज है वो कैसी दिखती है इट अपियर्स समथिंग लाइक दिस तो जो भी एक्टिव लीजन हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे स्क्रीन पर जो भी एक्टिव लीजन्स दिख रहे हैं हमें कोरोडाइटिस के उसकी वजह से जो रेटिनल पिगमेंट एपीथीलियम जो इफेक्ट हो रहा है वो हाइपर ऑटोफ्लोरेसेंस दे रहा है वो वाइट सिग्नल्स दे रहा है तो हमने अभी इस पेशेंट को थेरेपी पे डाल दिया है एंड वी विल मॉनिटर द डिजीज़ ऑन फंडस ऑटोफ्लोरेसेंस हम वेट करेंगे इस डिजीज़ को मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होने के लिए या फिर इन लेयर्स को जो आर की लेयर्स हैं उनको मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होने के लिए तब तक ट्रीटमेंट चलता रहेगा प्लस फंडस ऑटोफ्लोरेसेंस का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि कुछ न्यू लीजें जो हमें क्लिनिकली नहीं दिखाई देते हैं क्लिनिकली वी कैनॉट पिक दैम फंडस ऑटोफ्लोसेंस पे काफ़ी अर्ली पिक हो जाते हैं तो द फंडस ऑटोफ्लोरेश मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल यूटिलिटी ऑफ एफ एफ इमेज दट इट इट हेल्प्स अस टू पिक वेरी अर्ली लिजन विच कैनॉट बी सीन क्लिनिकली ऑल एंड ऑल स्पेक्ट्रलिस जो है एक मल्टी मॉडल इमेजिंग डिवाइस है इसमें पाँच तरह की टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं एंड कोई भी रेटनल डिजीज को क्राइडल डिजीज को आर पी ई के किसी भी प्रॉब्लम को अगर हमें स्टडी करना है तो वी बिलीव कि ये जो इमेजिंग मोडेलिटी है दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर अ क्लिनिशियन क्लिनिकल स्किल्स एक चीज होती है बट किसी भी डिजीज को मॉनिटर करने के लिए उसका डायग्नोसिस बनाने के लिए स्पेक्ट्रालिस इज एक्चुअली अ गेम चेंजर एंड दिस इज नाउ अवेलेबल एट आई सेवन लाजपत नगर एंड वी होप कि इस इमेजिंग मोडेलिटी के थ्रू विल बी एबल टू हेल्प आर पेशेंट्स एंड प्रोवाइड दम बेटर सर्विसिज सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सो वी विल भी सून कमिंग अप विद सम मोर वीडियोज ऑन रेटना एंड रेटनल डिजीजेज थैंक यू